आप सभी लोगों का हमारी शमाज गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जिसे आप लगाएंगे अपने घर में और वो सालों साल आपके घर में रहते हैं, फ्लावरिंग करते हैं समय समय पे, तो जिससे आपके गार्डन में कमी नहीं रहेगी फूलों की। तो बहुत अच्छे फ्लावर प्लांट्स हैं, नए नए प्लांट्स मैं आज लेके आई हूँ। वैसे तो हम लोग रोज़ हैं, गेंदा है, सॉरी बेला है, ये सब प्लांट्स लगाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स आज मैं लेके आई हूँ, कुछ नए प्लांट्स लेके आई हूँ जिन्हें लगाने से आपका घर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं और लोकेशन बहुत अच्छी आती है। और चाहे आप टेरेस पर रखिए, चाहे बालकनी में रखिए, चाहे आपके पास गार्डन हो तो गार्डन में लगाइए। बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, खूबसूरत होता है और गार्डन तो इतना प्यारा लगता है इन फूलों से जो आप देखते रह जाएंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बल्ब के थ्रू लगाए जाते हैं, कुछ सीड्स के थ्रू लगाए जाते हैं। तो मेरे कई फ्रेंड्स मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, बताते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, कहते हैं इन सब प्लांटों को हमारे यहाँ नर्सरी में नहीं मिलता। देखिए हर नर्सरी के अलग अलग है, कहीं नर्सरी में मिलते हैं कहीं नहीं मिलते हैं, तो मैं हर नर्सरी का इतना डिटेल मुझे नहीं मालूम होता। हमारे यहाँ कानपुर में कुछ प्लांट्स मिल जाते हैं, कुछ मुझे ऑनलाइन मंगाने पड़ते हैं, तो इससे हम अपने गार्डन को सजा सकते हैं जो मैं आपको आज बता रही हूँ। और ये आप आराम से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आपके पास नर्सरी है वहाँ से भी आप इनको परचेस कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांटों की सूची मैं आपको दूंगी आज पेरिनियल प्लांट्स के बारे में। नंबर वन फ्लावर्स देख रहे हैं, ये एक बेल की तरह होता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, कई कलर होते हैं, बिल्कुल गुच्छे में फूल आते हैं इसके और खूबसूरत लगता है। इसके कलर और इसका जो शेप है बहुत प्यारा लगता है। देख रहे हैं कि बाहर किस कलर में है, अंदर वाइट कलर का शेड है, कितना खूबसूरत, एक घंटी की तरह इसमें फूल खिलते हैं और एक स्टिक आती है, पूरी स्टिक में फूल भर जाते हैं। और इसे हम चाहे गार्डन में लगाएं चाहे पॉट में लगाएं, ईजिली लग जाते हैं। बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं, खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, ज़बरदस्त इसके कलर की कलेक्शन होते हैं, बहुत अच्छे इसके कलर्स होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे। तो कोशिश यही रहेगी कि कुछ मैं आपको ऐसे प्लांट्स बताऊँ जिन्हें आप अपने घर में आराम से ग्रो कर सकते हैं। देखिए इसकी आप ले सकते हैं, सीड से ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स भी मिल जाते हैं कहीं कहीं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसमें कलर और ये जो ब्लैक कलर का बीच में देख रहे हैं बिल्कुल सूरजमुखी की तरह लग रहा है, मगर सूरजमुखी नहीं है, ये फ्लावरिंग बहुत प्यारी होती, खूबसूरत फूल मिलते हैं। तो ऐसे मैं प्लांट्स आपको आज बताऊंगी जो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, बल्ब के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, कुछ रूट्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं और कुछ अपनी सीड्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं और खूबसूरत फूल होते हैं, कई सारे इसमें फूल खिलते हैं। तो इन फ्लावर प्लांट्स को आप समर में देखिए, फूलों की कमी नहीं रहेगी, बहुत प्यारे प्यारे आपके गार्डन में खूबसूरत फूल मिलने वाले हैं और बहुत हार्डी प्लांट है। इस बार प्लांट्स के बारे में जाते हैं, डेजी लिली, ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और ये आपको यहाँ सालों साल प्लांट्स ये बना रहता है, समर में फ्लावरिंग बहुत अच्छी करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए तक फिर प्लांट्स आपको बार बार नहीं खरीदने पड़े, एक प्लांट से लगाएंगे तो कई फूल मिलेंगे, गुच्छों में फूल आते हैं, डबल पैटर्न में भी आते हैं, इसमें सिंगल पैटर्न में आते हैं और बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं। कम से कम इसको 10 इंच के पॉट में आप ग्रो कीजिए तो इसके जो बल्ब होते हैं बहुत डेवलप होते हैं, उसी में न्यू प्लांट्स तैयार होते हैं। छोटा सा बल्ब लगाएंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको फूल मिलेगा, ज़्यादा कोशिश कीजिए थोड़ा सा बड़ा बल्ब लीजिए जिसमें इसने फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। तो मैं इस सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर देखिए, इसकी भी फ्लावरिंग आपकी बहुत अच्छी होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक बार ग्रो कर लेते हैं और वो सालों साल आपको फूल देते रहते हैं, खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। तो ऐसे प्लांट्स हम अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो गार्डन का खूबसूरत जो इतने बटरफ्लाई या किसी भी चीज़ को एट्रैक्ट करती है बहुत खूबसूरत लगते हैं, गार्डन में इतना खूबसूरत लगता है। सब लोग कहते हैं कि समर में फ्लावरिंग नहीं, समर में भी आपको बहुत प्यारी फूल मिलने वाले हैं खूबसूरत, अगर हम उनकी तैयारी शुरू कर दें। आप जब भी समर की कोशिश कीजिए फ्लावरिंग लगाने की, तो जनवरी की लास्ट वीक, फरवरी की लास्ट वीक तक आप इनको ग्रो कीजिए तो जिससे आपको ये फ्लावरिंग मिल जाए। कुछ प्लांट्स हमको नर्सरी से बाय करके लाना पड़ेंगे, ये प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत है, आपको प्लांट्स के रोज़ की तरह फूल होते हैं, इसकी बहुत अच्छी मान्यता है, बहुत प्यारा प्लांट्स है, लकी प्लांट्स भी माना जाता है और ये बहुत ईजिली सर्वाइव भी हो जाता है। एक प्लांट में फूल जब खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम रोज़ को फेस कर रहे हैं, रोज़ हमारे गार्डन में खिले हुए हैं, काफ़ी अच्छे कलर्स में आता है, काफ़ी अच्छे पैटर्न्स होते हैं इसमें, खूबसूरत लगता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारे बिल्कुल रोज़ की तरह होते हैं, खूबसूरत होते हैं और इनकी जो इसके अंदर की बात है वो अलग ही है,
अब आपको मैं ये प्लांट्स के बारे में देता हूँ। ये कटिंग के थ्रू भी यूजली लग जाते हैं और बहुत हार्डी इसका फ्लावर्स होते हैं, एक डेढ़ दो दो महीना इसके फ्लावर्स रहते हैं और बिल्कुल जैसे लगेंगे किसी आर्टिफिशियल लीप्स या फूल को छू रहे हैं, इस तरीके इसकी बनावट होती है, बहुत अच्छे फूल खिलते हैं और ये सालों साल आप अपने घर में लगा सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, इसमें पानी बहुत कम चाहिए होता है और समर में बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करता है। इसको ज़्यादा तेज़ गर्मी पसंद है और इस प्लांट को बहुत कम पानी पसंद है। ज़्यादा पानी डालने से रूट्स इसके ख़राब हो जाते हैं और कई पैटर्न में इस फ्लावर प्लांट्स के आपको प्लांट्स मिल जाएंगे। नर्सरी से जाएंगे तो 50 रुपीज़ से लेके आपको 100 रुपीज़ तक का इसके प्लांट्स मिल जाएंगे और शेड भी बहुत प्यारा प्यारा इसके मिलते हैं, कई कलर अच्छे आते हैं और लगातार फूल खिलते हैं। आप जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी बहुत अच्छा फ्लावर प्लांट्स है और बहुत अच्छी स्टिक्स ही आती है, उसमें इतने से स्टिक में ही फूल बनते 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 चले जाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। कलर मैं बहुत सारे कलर आपको नहीं दिखा सकती, तो कुछ मैं आपको चुनिंदा कलर सिर्फ दिखा रही हूँ जिससे आप अपने घर में इनको ग्रो कीजिए और कलर का कलेक्शन बहुत अच्छा है। येलो लीजिए, वाइट लीजिए, क्रीम लीजिए, रेड लीजिए, पर्पल लीजिए, इस तरह से आप इनके प्लांट्स के कलर ले सकते हैं, बहुत अच्छे फ्लावरिंग होती है। खूबसूरत फूलों से गार्डन को सजाने के लिए थोड़ी सी सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी और फिर गार्डन देखिए कितना खूबसूरत लगता है। आप देखिए ये प्लांट देख रहे हैं, ये हमारे विंटर में भी आ रहा है, समर में भी इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, कई कलर है, मेरे भी गार्डन में सारे कलर खिले हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और एक फ्लावर कम से कम एक हफ्ते तक हमारे गार्डन में, ये मेरे गार्डन का फूल है, बहुत प्यारे फूल खिलते हैं, बहुत अच्छा कलर्स आता है इसके। इसके मैंने तीन कलर्स मेरे गार्डन में है, पिंक, वाइट एंड आपको मैं ये येलो, तीनों कलर मेरे पास हैं और मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ और फिर आप देखिए कितनी अच्छे से ग्रो होता है। अब ये प्लांट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसका कलर का शेड बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे लगते हैं, फूल बहुत खूबसूरत रहते हैं जिससे आपका गार्डन तो खिल उठेगा। इन फूलों से जब गार्डन में फूल ये खिलते हैं तो समर हम चाहे किसी भी सीज़न में आप लगाइए कोई भी प्लांट्स, उसको देखिए कितना खूबसूरत है। इसके बहुत उपयोग भी हैं, हमें आयुर्वेदिक में इस प्लांट का बहुत उपयोग है, इसे सेंट्स लेके, परफ्यूम्स लेके, काफ़ी चीज़ों में इसके फ्लावर्स के और इसके सीड्स यूज में होते हैं और बहुत अच्छा प्लांट्स है, खूबसूरत कलर आते हैं। अब जो देख रहे हैं आप ये भी डेजी की वैरायटी है, डेजी की कई वैरायटी आती हैं, डेजी फ्लावर के नाम से कई प्लांट्स तैयार होते हैं और बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। इसमें जब हम एक प्लांट्स लगाएंगे तो पूरी जल्दी इतनी जल्दी ये डेवलप होता है, पूरा गुच्छे की तरह फूल तैयार होते हैं और ज़बरदस्त इसकी फ्लावरिंग होती है। अगर हम ग्राउंड में लगा देते हैं तो देखो ग्राउंड की बात ही अलग होती है, ग्राउंड में कितनी अच्छी सी ज़मीन मिलती है, एक आज़ादी होती है जड़ों को फैलने के लिए और बहुत अच्छे से वो फैलती हैं जिससे हमारे गार्डन को बहुत अच्छा फूल का लुक मिलता है। पॉट होता है तो पॉट में थोड़ा सीमित होता है। अब ये देखिए इसका फ्लावर्स मेरे गार्डन में सालों साल फूल खिल रहे हैं, मैंने इसको नेक्स्ट ईयर इस प्लांट को लगाया था और अभी भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, हर महीने फूल खिलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही महीने फूल आएंगे, आपको हमेशा इसमें फूल आते रहेंगे, किसी महीने में ये कोई भी डोरमेंसी पीरियड में नहीं जाता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है, खूबसूरत फूल मिलते हैं और डबल शेड पैटर्न में भी, सिंगल पैटर्न में भी आता है और कई कलर में आता है, आपको डार्क येलो, लाइट है और ये दो आपको जो कलर दिख रहा है रेड एंड येलो में, इस तरह से भी शेड बहुत प्यारे प्यारे रहते हैं। तो खूबसूरत फूलों को हमें अपने गार्डन में ऐड जरूर करना चाहिए। आप चलिए अब दिखाते हैं, ये बहुत प्यारा प्लांट्स है, बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं, कई कलर आते हैं इसके, कई पैटर्न आते हैं, बहुत खूबसूरत, एक बेहतरीन खूबसूरत फूल कहते हैं वो आते हैं खिल के जबकि खिलते हैं और इनको लगाना भी बहुत आसानी से, सीड्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, कम आप पॉट में 10 इंच के पॉट में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, आप चाहे टेरेस पे, बालकनी में, कहीं भी इनको ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको ये फ्लावरिंग करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स मैं ज़रूर ऐड करने की कोशिश करूँगी, मैं भी कोशिश करती हूँ ऑनलाइन मंगाने के लिए या अपने पास की नर्सरी से मंगाने के लिए, कोशिश करूँगी कि आपको लिंक देने की कि मैं कर दूँगी जिससे ले सकें। ये देख रहे हैं आप फ्लावर प्लांट्स जो जिसमें छोटे छोटे एक फूल खिलते हैं एक गुच्छे की तरह, जैसे कि कोई रुई का एक बॉल हो उसी तरह के उसमें रेशे से निकलते हैं और पूरा गुच्छा जब खिल के तैयार होता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें कई कलर्स आते हैं, वाइट से लेके मी एंड पिंक, इस तरह से कलर्स के रहते हैं और खूबसूरत गुच्छा एक तैयार होता है तो फूल ही फूल दिखते हैं, लीव्स नहीं दिखती है। इतने प्यारे प्लांट्स आपको नर्सरी से लाने पड़ेंगे और फिर अपने गार्डन को सजाना पड़ेगा। जब हमारा गार्डन खूबसूरत लगेगा फूलों से तो आसपास वाले भी बहुत खुश होते हैं उनको देखने से। अब देखते हैं ये जो वाइन है,
इसको हम समर में इतनी ये हमारे यहाँ रहती है, और सर्दियों में थोड़ा डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। और इस प्लांट्स को जब हम फूल इसके जब खिलते हैं तो इतने खूबसूरत लगते हैं, प्यारे प्यारे जब फूल खिलते हैं और अच्छी क्वांटिटी में खिलते हैं, ऐसा नहीं एक दो खिलते हों, बहुत अच्छी क्वांटिटी में। अगर इस प्लांट को हम ज़मीन में लगा दें, इस बेल को ज़मीन में लगा दें तो बहुत प्यारे फूल मिलते हैं। वैसे मैं पॉट में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि टेरेस पर लगाती हूँ, पॉट में लगाती हूँ तब भी बहुत प्यारी फ्लावरिंग करते हैं। बस इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र का ख्याल रखिए। आप जो दो फूल देख रहे हैं इतने प्यारे फूल लग रहे हैं कि छत्ते की तरह फूल खिले हुए हैं, एक गुच्छे की तरह, और स्टिक निकली है उसमें ये फूल खिलते हैं तो कितने प्यारे लग रहे हैं। फूल हमारे कुदरत ने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे बनाए हैं, जिनको हम अपने घर में लगाएं फिर इनके देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा आता है। तो ऐसे कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन फूल लेके आऊँ जिससे आप अपने जानकर अपने घर में लगाएं। अब ये फ्लावर प्लांट्स हम नर्सरी से बाय करके जब लेके आएंगे तो इसके रेट बहुत कम होते हैं, आपको 35 रुपीज़ में इस प्लांट को मिल जाएगा ये, और बहुत अच्छे से इसकी क्वालिटी होती है, बहुत प्यारे प्यारे इसके सीड होते हैं। एक ही प्लांट में आपको कई कलर्स देखने को मिलेंगे और बहुत प्यारे लगने वाले हैं। इनको आप 10 इंच या 5 इंच के या 8 इंच के पॉट में लगा सकते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। खूबसूरत फ्लावरिंग करने के लिए मैं इसके बारे में आपको ज़रूर अपडेट दूंगी, इसलिए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो इस फ्लावर प्लांट्स पे आने वाला है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको दिखेगी। आप देख रहे हैं ना ये बहुत प्यारा सा फूल तो देखिए सारे प्यारे बहुत से होते हैं, खूबसूरत लगते हैं, और ये भी प्लांट्स जो दिख रहे हैं आपको बहुत प्यारे फूल देते हैं, खूबसूरत कलर होते हैं, शेड बहुत अच्छा होता है, इतने प्यारे प्यारे शेड इसके मिलते हैं, और जिससे आपका गार्डन, आपके घर का पॉट, जहाँ भी इसको लगाएंगे तो कोई भी देखेगा तो बहुत खुश होगा, इतने प्यारे प्यारे फूल आपने अपने गार्डन में ऐड किए हैं। तो इन फूलों को ज़रूर ऐड कीजिए और लगाइए, फिर देखिए गार्डन कितना प्यारा लगता है। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाइन है, और बहुत अच्छी वाइन है, समर में इसमें ज़बरदस्त फूल खिलते हैं, खूबसूरत उसके कलर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, येलो, क्रीमी, रेड, पिंक, और ये आपको दिख रहा है ना इतने प्यारे प्यारे कलर होते हैं, कलर बहुत सारे होते हैं, मगर इतने सारे मैं अगर आपको सारे कलर दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ चुनिंदा फ्लावर्स प्लांट्स की मैं आपको दिखाती हूँ जिससे आप लोगों को अभी वक्त ज़्यादा जायज़ ना हो। अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये भी बहुत अच्छे फ्लावर्स खिलते हैं, छोटे छोटे फूल खिलते हैं, मगर गुच्छे में खिलते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है जब ये साथ में सारे खिलते हैं। देखिए रेड कलर का नीचे फिर ऊपर से येलो कलर का स्टिक सी फ्लावरिंग की लीव्स निकलती है तो इसका लुक बहुत खूबसूरत होता है। इतने प्यारे प्यारे फूल जब खिलते हैं इसमें तो बहुत अच्छा लगता है। कोशिश कीजिए आपको ये प्लांट्स ज़रूर मिल जाएंगे। हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं हमें आसपास भी मिल जाते हैं मगर हमें उनकी जानकारी नहीं होती तो हम उनको घर में ऐड नहीं कर पाते हैं। नर्सरी जाइए, आपको देखिए एक ये भी हिबिस्कस है, वो भी अलग वैरायटी का है, बहुत अच्छे कलर्स होते हैं, बहुत अच्छे से शेड होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। फूल इतने अच्छी क्वांटिटी में खिलते हैं, वैरायटी वही हिबिस्कस की है, और इसको आप लेके आइए, हमारे यहाँ भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप नर्सरी जाइए, आप इस नाम के हिबिस्कस को कहिए, वो आपको ऊपर देंगे और बहुत प्यारे लगेंगे। एक प्लांट्स ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम बिल्कुल एक ब्रश की तरह इसमें फूल खिलते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, कलर इसके बहुत प्यारे प्यारे, एक ब्लू से लेकर रेड, पिंक, वाइट सारे शेड में मिलेंगे और बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक आपको गुच्छे की तरह फूल तैयार हो जाते हैं, छोटे छोटे इसमें फूल खिलते हैं और बहुत प्यारा लगता है, जिससे आपका गार्डन, पार्क या टेरेस से किसी भी जगह आप इनको लगाएंगे तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में फूल देते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए मैंने आपको ये छोटी सी एक लिस्ट दिखी फूलों की दिखाई है जिससे आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं फूलों को और बहुत अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं इन खूबसूरत फूलों से। समर में भी बहुत अच्छे कि फ्रेंड्स कहते हैं कई ऐसे प्लांट्स बताइए जो हमें एक बार लाएं और लगाएं और फिर हमें वो सालों साल फूल दे सकें। और भी आपने मेरे प्लांट्स के वीडियो देखे होंगे, मगर ये मैं न्यू वीडियो प्लांट्स के लेके आई हूँ, बहुत मेहनत की है, चुनिंदा फूल आपके लिए लेके आए जिनसे आप जानकारी लेके अपने गार्डन में इनको लाइए और फिर लगाइए, फिर देखिए इनका कमाल कितने प्यारे प्यारे आपको फूल मिलने वाले हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, कोशिश करूंगी वीडियो का जवाब जल्दी देने के लिए कमेंट्स का, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबाना ज़रूर याद रखिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी से पहुँच पाए। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।